तुम्हारा कॉल आया था ना, तो मैंने कह दिया था कि हाँ तुम आ जाओ, बाहर तक मैं आ जाऊंगी, है ना। अब उसके 2 मिनट बाद ही मनी और वो आ गए त्यागी, है ना। तो अब वो क्या, मैं उसको बिल बिल चार्ज कर रही थी और तुम्हारा कॉल आया था, तो मैं उसके सामने ही बोला कि हाँ मैं 2 मिनट में आई हूँ। तो वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है ना, अरे मन्नी भाई क्या हो रहा है ये, किसका कॉल था, सरदार से था क्या, मैं बता दो इसको। फिर पता नहीं कहाँ भाग गया, मैंने कही क्या बोलने भागा है भाई, बाहर भाग गया फिर वो। और फिर आके बोलता है बिल काट दो, बिल काट दो। फिर उसके बाद है ना तुम्हारा कॉल उतने में फिर से आ गया, फिर कहता है इसको मैं बता दो, फिर भाग गया। ऐसे कर रहा था। वाह, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कर क्या रहा है वो, पता नहीं मेरे को लगा ये भाग के तुम्हारे पास जा रहा है कि भाग के तुम्हें कॉल कर रहे, कर क्या रहा है ये। भगवान जाने। उसने तुमसे कुछ बोला है क्या? नहीं बोला ना, ना, मुझसे तो अब वो क्यों भाग के जा रहा था बार बार, पता नहीं क्या करने जा रहा था। कहीं जाता है तो मेरे से पूछ के उड़ जाता है, तो मैं कहीं पे किसी के साथ भी जाऊं, मतलब इसमें कोई और बोलने वाला तो कोई नहीं होता ना। सही बात है, और उसने तो कोई कुछ ना। बोला भी नहीं था मनी ने, तो वो तो कह रहा था कि छोड़ भाई, वो कह रहा था देखो यार मम्मी भाई ऐसे कर रहा है। वो अपने मनी भाई को तो कभी नहीं पूछते कि वो कहाँ जाता है। अच्छा ऐसा तुम नहीं बोर होते मेरे साथ? नहीं, मेरे को ऐसे ही कम घूमना पसंद है। यार तुम व्यू में कैसे रह लेते हो फिर इतने लोगों के साथ, वहां तो इतनी भीड़ रहती है हमेशा। तो बात थोड़ा करते रहते हैं, मैं सिर्फ काम के टाइम पे बोलता हूँ। जब काम हो तब बोलना चाहिए, ज्यादा बोलना भी खराब होता है। वो लोग बात भी थोड़ी मतलब वैसे ही करते हैं ना, कुछ भी मतलब, कुछ भी मतलब गाली और बहुत डबल मीनिंग और ऐसा सब। तुम्हें तो चलता होगा है ना, मेरे को भी इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मैं मजाक कर लेता हूँ कभी कभी, क्या? हाँ मैं भी मजाक कर लेता हूँ कभी कभी। मैं नहीं करती हूँ यार ऐसे, मतलब मैं ठीक है, ऐसे कोई सामने करता है तो मैं ऐसा नहीं कि मेरे उससे प्रॉब्लम हो, तो उसकी मर्जी है वो कैसे बात करे, क्या क्या बोल रहा है। क्यों बगैर सिटी चले हम, यही बाकी रोज यहाँ तो ना रहने। अरे रहना है? मेरे को सोने जाना है यार, समझो। चले जाना, वैसे भी कल से मैं आऊंगी, क्यों बस ऐसे ही। देख लो, मर्जी है, बट क्या करो, कैसे क्यों नहीं होगी तो बताओ। देखूंगी यार, मतलब मन नहीं लग रहा मेरा सेटिंग में, एक तो मैं और कैट कैसे को छोड़ दूँ ना, तब तो कुछ भी नहीं है। यार है तो है, तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तुम जब से आई हो कैट कैफे में हो या मेरे साथ हो। तुम्हारे साथ एक्सप्लोर करते हो, वो सारी जगह कितनी प्यारी थी, बट एक्सप्लोर करने का मतलब है कि भीड़ में बात करना, तो वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे करना ही नहीं है। मैं बात करना नहीं, बट और भी चीज़ें ऐसी, ठीक है, जैसे मनी कि फिशिंग, लीगल काम है, लीगल काम है। तुम मुझे लेके चलो ना कभी ये सब पे, मैं नहीं करता ये सब कुछ, तो एक दिन तो कर सकते हैं ना। एक दिन भी नहीं कर सकते? नहीं, ग्राइंड नहीं करता। ओ अभी हम बाहर उसकी जगह वहां नहीं जा सकते थे, क्या अभी जैसे हम यहाँ आए उसकी जगह वहां नहीं जा सकते थे। तो जा सकते थे, बस मैं तो बोरिंग लगती है, मैं करता नहीं हूँ। एक दिन तो कर सकते हो, बस एक ही एक चीज, एक एक दिन। कर लेंगे यार, कल से कर लेंगे।
ठीक है। अभी सिटी चलो फिर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं निकल रहा हूँ। नहीं मैं जल्दी, बट अरे क्या करना है, जाके रुक जाओ, चले जाना। यार वो नींद आ रही है कसम से बहुत तेज। अरे चलो ठीक है, सिटी चल लो। अरे ऊपर कैसे आते हैं, स्विम स्पेस बार मिसल से कैसे करते हैं? जैसे चलते हो वैसे। ये लो यार, मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं, पता है, पर सिर्फ तुम्हारे वजह से जा रही हूँ, नींद आ रही। तरफ तुम कह रही हो मैं कल से नहीं आऊंगी, अभी कह रही जाने का मन नहीं। ये जगह कितनी अच्छी, ढंग से पूरी देखी भी नहीं। अरे बिजनेस होता है, कोई खरीदेगा तो देख लेना, अभी तुम्हें दिखेगा मेरे ढंग से कुछ। जिस शहर में पहले मैं था ना उसमें इसका नाम पैराडाइज रिजॉर्ट था, अच्छा, यहाँ पे हमने अटैक कर दिया था। ऐसा लगता है मुझे ये सिटी मेरे लिए नहीं है यार। यार तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, बता सही कह रहे हो। इतना क्यों सोचना, छोड़ो ना, मजे मारने आओ। देखो तुम, देखो लोग ना चलते चलते भूल ही जाते हैं कि उन्होंने शुरू किस लिए किया था चलना, समझ लो। तो ये कभी मत भूलो कि तुम आए किस लिए, तुम मजे मारने आए थे तो मजे मारो। पर मुझे मजे नहीं आ रहे हैं। यार तुम देखो, मैंने टीवी देख के आए थे, मैंने क्या करता है ये सब, मजे तो आएंगे यार ऐसे। जो करता है मेरे को वो तो बिल्कुल नहीं करना यार, नहीं वो करने में तो मुझे बिल्कुल ही मजे नहीं आते। नहीं सब तो मैं कुछ ट्राई उसके करो, साथ ही रह रही होती। स्टिल सब कुछ ट्राई करो। तुमको पता है एक चीज, लड़कों के लिए ना इजी होता है, पता है, क्या चीज ऐसे ना बात बात करके फ्रेंड्स उनके, जैसे कोई न्यू भी आया, बिल्कुल है ना, न्यू आया सिटी में, उसका यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है, तो वैसे बात बात करके ना फ्रेंड्स बनाना, ये सिर्फ इजी होता है। बट पता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या, हर जगह लड़कियों के साथ क्या होता है ना, किसी से थोड़ी भी बात करो ना तो मतलब एकदम ऐसा जाते हैं, पता है, आज वहां पे वो इवेंट में भी यार एक बंदा, यार पता नहीं कितना, यार वो चेप हो रहा था कितना ज्यादा, उसने मुझे इतना परेशान, हंसो मत, ये बात हर जगह होती है। एक तो ये रीजन है, अगर तुम अभी आए हो ना यहाँ हमारी सिटी में और तुम किसी को भी नहीं जानते, तो तुम वहाँ रिचवैन पे भी खड़े हो जाओगे ना, तो तुमको कुछ लोग मिल जाएंगे जिनसे तुम बात बात कर लोगे, फिर तुम आगे का सिटी में उनके साथ रह सकते हो। बट यहाँ तो बहुत ही अजीब चीजें हो जाती हैं बात करने के लिए। कोई ना, तो लड़कों से बात कर लिया करो, क्या हो गया।
मैं मेरे को ऐसा थोड़ी ना कि लड़की से ही बात करने में इंटरेस्टेड, मेरे को लड़के से बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ी भी बात होती है ना बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब सिटी तो भूल ही जाते हैं। कोई ना छोड़ो। इसलिए ना अगर कोई लड़की है ना तो उसके लिए या तो उसका कोई तो एटलीस्ट उसके साथ फ्रेंड हो, कोई वो एक्सप्लोर कर सकती। तो मैं हूँ तो कोल्ड भी तो है। क्या तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? कोल्ड मेरा नहीं फ्रेंड है नहीं है, फ्रेंड मतलब क्रश? बहुत क्रश क्रश क्रश, क्रश तो बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड, मतलब फ्रेंड बस ऐसे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं है। हाँ मैं उसको जानती हूँ और वो मुझे जानता है, इतना नहीं है कि वो के वेलो की तरह बस मेरे साथ ही घूमता रहे। तो वो पीडी में वो कल भी क्या कह रहा था, और दूसरा उसके इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है उसका, अगर वो वहां से फ्री भी होता हो तो वो वहां उन सबके साथ जाएगा या मेरे साथ बैठे रहेगा। बेचारा कल ही इतना बोर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता वो 1 महीने तक हैंड करके आएगा। कल बोर तो नहीं, एक्साइटेड हो गया था वो। एक्साइटेड वो शुरू शुरू में हुआ होगा, जब वो एक्साइटेड भी किया उसको बस क्यूरियोसिटी हो गया नहीं कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसलिए बाकी फिर ना बोर हो गया होगा वो। मैं भी हो गई थी बाद में प्यार, सबका अपना अलग वो होता है ना। कोई ना, ये याद रखना। देखो मैं भी कभी कभी ना बीच में, मेरे को भी हो गया था, लोग छोड़ के जा रहे थे तो मतलब थोड़ा सा उदास हो गया था भाई। पर मैंने फिर कभी ना ये चीज़ रियलाइज करना कि तुमने आए किस लिए सिटी में, मज़े करने के लिए तो मज़े करो। वो मज़े खुद से करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो कि वो आएगा तो ही मज़े होंगे, वो नहीं आएगा तो मज़े नहीं आएंगे। यार पर थोड़ा पता तो नीचे ना चीजें, कि अब मुझे ये नहीं पता कि इस सिटी में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो मैं वहां पे जाके अकेले भी मजे कैसे करूँ ये बताओ। अब जैसे तुम वहां हम गए थे, जैसे वो पार्क है ना जहाँ पे हम गए थे फर्स्ट टाइम, तो अब तो मैं वहां पर जा चुकी हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम सोच सकती हूँ कि चलो कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं अकेले वहां चले जाऊँ, पर उसके लिए मुझे एटलीस्ट पता तो ऐसी कोई चीज है भी। पहली बार तो मतलब कोई किसी और के साथ ही जाएगा तभी उसे पता चलेगा ना, उसे खुद से कैसे पता चलेगा। निकाल
बस आ जाओ बे सरताज, थोड़ा मसाला भी खाते हैं ना, जल्दी कौन सोता। सैम किधर गया पता नहीं भाई। है वो सिटी में क्या? नहीं हाँ होना तो चाहिए। अच्छा नहीं है, गया वो, अच्छा गया गया।